हाय दोस्तों, नमस्कार। कहते हैं कि परिवर्तन जीवन का नियम है, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे कुछ बोलते हैं। पर आप एक चीज़ और समझिए, इसी के साथ लिंक करके बताता हूँ। ध्यान से सुनिएगा जरा, मेरे को 2-3 मिनट ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देने जा रहा हूँ। जो चीज़ आज है ना, जो चीज़ जैसी आज है वो कल नहीं रहेगी वैसी। एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा। आपको याद है हम सबका स्कूल हुआ करता था 8 बजे का। अभी बहुत सारे बच्चे स्कूल में होंगे जिनको मैं शेयर करूंगा ये वाली वीडियो, वो स्कूल में होंगे, ठीक है। तुम भी सुनो, तुम्हारा आने वाला समय भी सुनेगा, ठीक है। हाँ तो सुनो भाई, अपना जब स्कूल होता था, वो स्कूल कितने बजे का होता था? 8 बजे का है ना, 8 बजे का स्कूल होता था। तो हम कितने बजे उठते थे? 6:30 बजे। मैं थोड़ा एडवांस था, 5:30 बजे उठ जाता था। क्यों? क्योंकि मेरे को ना होमवर्क कंप्लीट करना होता था, तो मैं 1 घंटा अपना होमवर्क कंप्लीट करता था 6:30 तक, फिर अपना रेडी होकर 7:30 स्कूल निकल जाता था। तो मेरा ये रूटीन रहता था। फिर मैं 2:30 बजे आके खाना वाना खा के थोड़ा सो के खेलने चला जाता था, और फिर वहाँ से आके होमवर्क करता था, फिर खाना खा के सो जाता था। सुबह बच्चा कुछ होमवर्क कंप्लीट करके अगले दिन फिर स्कूल जाता था। ये नियम था कब? जब मैं स्कूल में था, जब मैं 12th तक स्कूल में था, तब तक ये मेरा नियम था। फिर मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में आया। वैसे जैसे बहुत सारे बच्चे बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर वाले देख रहे होंगे, कुछ एमकॉम वाले भी देख रहे होंगे, है ना। फिर क्या हुआ, तब क्या हुआ? तो तब मैं उठने लगा, तब भी मेरे को जल्दी उठने का आया, तो मैं 6 बजे उठने लगा। पर आपने देखा ना, पहले मैं 5:30 पर उठ रहा था, मैं 6 बजे उठ रहा हूँ। थोड़ा सा नियम में चेंज हुआ। मैं 8 बजे कॉलेज के लिए जाता था, तो मैं पहले ही नहा लेता था। अब मैं कॉलेज से पहले नहा रहा हूँ, मेरा कॉलेज 10:30 बजे शुरू होता है ना। ऐसे आपका कॉलेज होता होगा, 10-11 बजे शुरू होता होगा, किसी किसी का 12 बजे शुरू होता होगा। 8 बजे मेरे को नहीं लगता कॉलेज शुरू होता होगा, क्योंकि मैंने देखा नहीं है ऐसा, है ना। तो रूटीन चेंज हुआ ना, है ना, चेंजेस आए ना। तो मैंने बोला था ना, परिवर्तन ही जीवन का नियम है, शुरू में ही बोला था लाइन, है ना। तो और ये भी कनेक्ट कर पा रहे हो ना, जैसी चीज़ पहले थी वो अब नहीं है, ये भी बोला था ना मैंने। और आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। ऐसे ही आपकी जब जॉब लगेगी ना, तो आपकी मान के चलिए नाइट शिफ्ट जॉब मिलती है, नाइट शिफ्ट भी मिलती है जॉब, हाँ, रात में काम करने को, है ना। तब आपका सारा बैलेंस बिगड़ेगा, चेंज होगा। पर अपन को अगर उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, उस अपॉर्चुनिटी पे काम करना है, तो अपन को नाइट शिफ्ट भी लेनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ लोग सरकारी नौकरी में लग जाएंगे तो 9-to-5 जॉब करेंगे, या 10-to-7 जॉब करेंगे इस तरीके से बैंक में, है ना। ऐसा डिफरेंट डिफरेंट होगा। कुछ लोग बिजनेस ज्वाइन करेंगे, खुद का, अपने पापा का, या किसी और का पार्टनरशिप में, तो उनके लिए तो एक तरीके से सुबह से 8-9 बजे से ही ज़िंदगी शुरू हो जाया करेगी, भागम भाग टाइप की, है ना, और रात में लेट नाइट तक। पर एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। देखिए, ये तो सारी चीज़ें हो गई करियर से रिलेटेड, ऐसे ही आपका ट्विस्ट आएगा रिलेशन से रिलेटेड। जी हाँ, रिलेशन में, वो रिलेशन मतलब सभी सारे रिलेशन की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। आप सिर्फ वही रिलेशन समझ रहे होंगे, चलिए वही समझ लीजिए आप, है ना। यहाँ पर भी चेंजेस आएंगे। जो चीज़ आज है वैसी कल नहीं रहेगी। जी हाँ, ये एक बहुत ही चुभन वाली बात है। हो सकता है कि आप ये बोलो कि यार मैं तो जैसा हूँ आज भी वैसा ही हूँ, तो आपके जैसे आप हो शायद किसी और को आप वैसे अच्छे नहीं लग रहे हो, है ना। तो मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको फिर चेंज हो जाना चाहिए, ये कहता ही मेरा बोलना नहीं है। मेरा तो ये सिंपल सा बोलना है, ये समझाना है एक तरीके से, कि जो चीज़ आज है, जैसी आज है वैसी कल नहीं रहेगी। ये दर्द तो है, ये लिटरली दर्द है, जिससे आप आज आपका रिलेशन बहुत अच्छा है, शायद कल को वो ना रहे इतना अच्छा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बेकार हो जाएगा, ये नहीं बोल रहा मैं, शायद इतना अच्छा ना रहे। ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है, पर ये रियलिटी है, और हमको चेंज होना पड़ता है उसी के मुताबिक, और हमको अपनी परिस्थितियों के मुताबिक चेंज होना पड़ता है। ज़रूरी है उस रिलेशन को मेंटेन करने के लिए भी, या फिर वो वही होगा, आप जैसे बने हो वैसे बने रहोगे ना, तो वो रिलेशन आगे जाके ख़त्म हो जाएगा। तो यही आपको समझाना था, ऐसी छोटी छोटी बातें समझाता रहूँगा, है ना। याद रखना ये पॉइंट, ये शायद आपकी ज़िंदगी में अभी नहीं आया हो, पर ये टर्न जो है ना, एक ना एक दिन आएगा, और उस दिन आप मेरे को जरूर याद करना हो, यहाँ पे आके कमेंट करना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।